ग्वालियर में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल ने उन पर हुए हमले को कांग्रेसियों की रची गई हत्या की साजिश बताया है। गोयल ने हमले को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी ओछी राजनीति कर रही है, उनकी जमीन खिसक गई है। उन्होंने कहा कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए उन पर हमला करवाया है। ग्वालियर में युवक पारस जौहरी की हत्या पर परिजनों से मिलने पहुंचे सिंधिया समर्थक भाजपा नेता मुन्नालाल गोयल पर पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें वे घायल हो गए। गोयल ने बताया कि हत्या की सूचना के बाद वे बिना गार्ड लिए युवक के परिवार से मिलने जा रहे थे, तभी जैसे ही सिरोल थाने के पास पहुंचे वहां पर 3-4 लोगों ने ईंट पत्थर से हमला करना शुरू कर दिया। हमला भी उन पर निशाना लगाकर किया जा रहा था, उसी समय ड्राइवर ने तेजी से वाहन बैक किया और वहां से निकल आए। इस हमले में उनके सिर पर चोटें आई हैं और 4 टाके भी लगे हैं। गोयल ने हमले के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया और कहा कि कांग्रेसी बौखला गए हैं। उन्होंने कहा जिस वर्ग के लोग सिरोल इलाके में रहते हैं वे उनके कई वर्षों से समर्थक हैं और अब कांग्रेसियों को लग रहा है कि यह वोट बैंक उनके हाथ से निकल रहा है, इसीलिए उन्होंने हमले की साजिश रची। तो आज मैं पिछले 15 दिनों में अपने क्षेत्र के अंदर जा रहा हूँ, उसी जाति वर्ग के अंदर अपनी बात कह रहा हूँ, उनका सुन रहा हूँ। इसके बच्चे का मर्डर हुआ है और लाश रख के सारे लोग थाने पर हैं, आप आ जाएं। तो मैं नहाया भी नहीं था, 9 बजे मेरे पास ड्राइवर बुलाया, मेरे गार्ड भी था मेरे पास। सुरल थाने जैसे ही मैं पहुंचा तो मेन रोड पर कामदारी भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन भीड़ ने भी हमला नहीं किया। उस भीड़ में से 4-5 लोगों ने अचानक कहाँ से आए और मेरी गाड़ी पर सामने से पथराव शुरू कर दिया। और पथराव दुर्घटना का होता है, पथराव ये अगर विरोध है तो उन्होंने मार दिया कांच में, लेकिन वो पथराव सीधा सीधा निशाना करके मेरे ऊपर किया और इतनी तेजी से पथराव किया उन्होंने कि निश्चित तौर पर तकरीबन 4 टांके आए मेरे सर। लेकिन मुझे लगता है यदि मैं गाड़ी मेरा ड्राइवर बैक नहीं करता तो शायद मेरा मर्डर हो जाता। जिस तेजी के साथ पथराव उन्होंने किया और ईंटे और पत्थर जैसे मार रहे थे, 7 के सिर पर लगे और मेरा सिर भाई गड़ा गिर जाए, लेकिन ड्राइवर ने बड़ा सुविधा की परिचय किया, अपने ड्राइवर गाड़ी ब्रेक की और मेरे को निकाल लिया। मेरा ये मानना है कि जिन लोगों के कहने पर उन्होंने किया है उसके पीछे कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी यहाँ तक पहुंच जाएगी कि वह हत्या कराने का काम करे किसी भी नुमाइंदे का, ये बहुत ही गंभीर मामला है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।